प्रद आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी एक तरफ मतदाताओं का मूड टटोल रही है, तो वहीं सभाओं में उमड़ती भीड़ से पार्टी गदगद है। राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की मौजूदगी ने स्थानीय संगठन को उत्साहित कर दिया है। जन आशीर्वाद यात्रा के साथ ही भाजपा के नेता सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। इस दौरान वे शिवराज सरकार की उपलब्धियों को बताते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पर निशाना साधते नहीं चूकते। यात्रा के दौरान की वास्तविकता और मिल रही प्रतिक्रियाओं को अपने दर्शकों तक पहुंचाने के लिए भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा पर TV24 लगातार नजर बनाए हुए है। यात्रा से रूबरू होने के लिए देखिए हमारी एक विशेष रिपोर्ट। जन आशीर्वाद यात्रा आगे बढ़ती जा रही है। पूरे प्रदेश में 5-5 जन आशीर्वाद यात्राएं निकल रही हैं। आप देख सकते हैं कि अभी एक जन आशीर्वाद यात्रा की पब्लिक मीटिंग खत्म हुई है और यहां पर काफी लोग आए हुए। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को आप देख सकते हैं। वीडी शर्मा जी को आप देखिए, यहां पर कार्यकर्ताओं से मिलते हुए कार्यकर्ताओं का उत्साह आपको दिखाई देगा। आम लोगों से मिलते हुए वीडी शर्मा, बुजुर्ग लोगों से मिलते हुए वीडी शर्मा, और जन आशीर्वाद यात्रा इसी तरह से आगे बढ़ रही है। और जन आशीर्वाद यात्रा में प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा आम लोगों का आशीर्वाद लेते हुए, आम बुजुर्गों से बात करते हुए आगे बढ़ते हुए, हाँ लीजिए, हाँ काफी लोग यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष से मिलने आ रहे हैं। और इसी तरह से प्रदेश अध्यक्ष का दिन शुरू होता है, आम लोगों से वो मिलते हैं और सुबह से लेकर शाम तक इसी तरह की भीड़ होती है। कार्यकर्ता इसी तरह से फोटो खिंचवाते हैं और बीडी शर्मा जी सब कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, सबके साथ वो फोटो खिंचवाते हैं और देखिए किस तरह से लोग उनसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा को आप देख सकते हैं और कार्यकर्ताओं का काफी उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और इसी तरह से बीडी शर्मा का काफिला लोगों से मिलते हुए इसी तरह से बीडी शर्मा आगे बढ़ते हुए आपको दिखाई देंगे। और आप देख सकते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा किस तरह से लोगों से मिलते हैं, किस तरह से बात करते हैं, तो यही एक बात है। नेताओं का और कार्यकर्ताओं का हुजूम देख सकते हैं, महिलाएं भी यहाँ पर है। ऊपर भी आप देखिए, ऊपर भी आपको हम दिखाएंगे कैसे आम जनता जन आशीर्वाद यात्रा में भागीदार बनने की कोशिश कर रही है। और कार्यकर्ताओं का नारे लगाना स्वाभाविक है, कार्यकर्ताओं की कोशिश होती है कि वो नारे लगाए। काफी महिलाएं यहाँ पर देखिए, बीडी शर्मा जी की रैली में यहाँ पर देखिए काफी उम्मीदों से यहाँ पर महिलाएं आई हुई है। हम इनसे बात करें, कहाँ से आई है आप जी, कहाँ से आई है, किसको वोट देंगे आप? अच्छा आप बताओ, सरकार सही कर रही है काम है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओगे कि कांग्रेस की? अच्छा जनता की सरकार, तो वोट किसको दोगे अभी तय कर लिया आपने है? आप बता जी, आप बताइए, आपने तय कर लिया? तो अच्छा, माहौल दिख रहा है आपको पार्टी के पक्ष में? जी, मेरे को दिख रहा है। अच्छा कैसे दिख रहा है, क्या ऐसी खास बातें जिससे पार्टी की सरकार बनेगी? ऐसी खास बात ये है कि लाडली बहना और मुख्यमंत्री की जितनी भी योजना है उतनी, जैसे संबल कार्ड, आवास योजना, आप बताओ। 1000 अच्छा, बहुत अच्छा हो रहा है। आप कहाँ से आए हो? मैं जिंजरी निवास जी। आप वोट दोगे इस बार? जी वोटर लिस्ट में नाम आ गया? फर्स्ट बार। तो मन बना लिया किसको देना है? हाँ बना लिया। अच्छा सरकार अच्छा काम कर रही है बीजेपी? बिल्कुल कर रही है। अभी G20 कैंडिडेट सही है, G20 मिशन अभी कंप्लीट किया, अभी लाडली बहना योजना को सबको पैसा दे रहे हैं। अच्छा यहाँ का जो कैंडिडेट है वो सही है? हाँ एक नंबर सर, कैंडिडेट सही है, बहुत बढ़िया, एक नंबर। इससे भी अच्छा कोई कैंडिडेट था गौरीबंद में? कोई नहीं है इससे अच्छा। अच्छा महामंत्री क्षेत्रीय विधायक? अच्छा कौन? क्षेत्रीय विधायक चाहिए किसी भी हो। अच्छा ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, क्या समस्या लेके आई थी आप? बाल बच्चे रहते हैं। अच्छा आपको पैसा मिल रहा है सरकार का पेंशन का? नहीं मिला। लाडली बहना का? लाडली बहना का किसी को मिला आपके घर में? हाँ,
बहू को मिले? बहू का नहीं मिले। अच्छा, छोटी बात। आपका फार्म नहीं जमा है? 24 साल की है जो उनका फार्म नहीं भर गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत 24 साल की तरह से बहुत प्रकार से वोटर्स यहाँ पर आए हुए हैं, अलग अलग उम्मीदों के साथ। कुछ कार्यकर्ता है, कुछ पार्टी सपोर्टर्स है, कुछ वोटर्स है, देखने आए हैं कि बीजेपी की सभा में क्या होता है, क्या वादे किए जाते हैं। हालांकि सरकार जो कर रही है सबके बीच में है। तो यहां पर अभी जन आशीर्वाद यात्रा आगे बढ़ चुकी है और ये अगले पड़ाव की ओर रुख कर रही है। आप देख सकते हैं अभी भी बीडी शर्मा पैदल चल रहे हैं और ये यात्रा इसी तरह से आगे बढ़ती जा रही है। 5-5 यात्राएं पूरे प्रदेश से निकाली जा रही है। यात्रा के रथ पर हम सवार हैं और आप देख रहे हैं यहाँ पर एक गांव है जहाँ पर जन आशीर्वाद यात्रा का ये रथ रुका हुआ है और काफी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ऊपर रथ पर सवार होकर और जनता का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, जनता से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए कि किस तरह से महिलाएं कलश लेकर यहाँ पर खड़ी हुई है और पूरे भारतीय परंपरा रीति रिवाजों के अनुसार इस रथ यात्रा का स्वागत यहाँ पर किया जा रहा। आगे गाड़ियों का काफिला है, काफी लोग यहाँ पर आपको दिखाई देंगे जो प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा का स्वागत करने के लिए, इस रथ यात्रा की अगवानी करने के लिए मौजूद है। हो सकता है कि इनमें बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता हो और या फिर आम जनता भी यहाँ पर शामिल हो रही हो। तब बीडी शर्मा जी को आप देखेंगे कि बीडी शर्मा जी यहाँ पर रथ पर हाइड्रोलिक पंप पर सवार होकर ऊपर चढ़ेंगे और ये एक हाईटेक रथ है। ये वो हाईटेक रथ है जिस पर सवार होकर प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, बड़े नेता, बड़े मंत्री, केंद्रीय सरकार के मंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रथ यात्रा निकालते हैं, रथ यात्रा में जन आशीर्वाद लेने आगे बढ़ते हैं। और ये काफी हाईटेक रथ है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर बीडी शर्मा इस वक्त हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म से ऊपर चढ़े हुए रथ के और वहां पर जनता से संवाद कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। ये रथ सभा है और थोड़ी देर बाद हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म से बीडी शर्मा नीचे उतरेंगे और वापस इस रथ में सवार होंगे और आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। तो आप देखिए ये हाइड्रोलिक रथ नीचे की तरफ आ रहा है और कुछ ही देर में बीडी शर्मा इस रथ से वापस निकलेंगे, इस हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म से वापस निकलेंगे और रथ में जो सीट्स बनी हुई है वहां पर सवार होंगे। काफी कंफर्टेबल है, लेकिन एक राजनेता के लिए, एक प्रदेश अध्यक्ष के लिए ये बहुत मुश्किल होता है कि वो लगातार बैठा रहे, बार बार उसको रथ हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म पर सवार होकर जनता से बात करनी पड़ती है, ऊपर जाना पड़ता है और ये कोई आसान बात नहीं है। एक नहीं कई सभाओं को संबोधित करना पड़ता है यहाँ पर। मेरी लाडली बहनों, आपको माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरी बहनों को ताकत दी है कि नहीं दी है? लाडली बहनों को पैसा मिल रहा है? हमने इस दौरान आम जनता, स्थानीय बीजेपी प्रत्याशी से चुनाव के समीकरणों को लेकर बातचीत। हमारे साथ मौजूद है बड़वारा से बीजेपी के प्रत्याशी धीरेंद्र सिंह। धीरेंद्र, जिस तरह से जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही, क्या माहौल दिखाई दे रहा है आपको? पार्टी के पक्ष में रहेगा सभी चीजें। अच्छा, और जन और भारतीय जनता पार्टी का पूरा अधिकार बनता है कि वो आशीर्वाद की भागीदारी बनेगी। नहीं तो कांग्रेस तो कह रही आक्रोश है, जन आक्रोश यात्रा निकल रही है। कांग्रेस आज तक कोई समाज के लिए कोई काम नहीं की है, उसकी मानसिकता ही ऐसा ही है। हम तो पूरी आपको प्रत्याशी बनाया है, किस उम्मीद से बनाया है, आप में क्या ऐसी खासियत देखी पार्टी ने? जन जन आशीर्वाद को देखते हुए संगठन का हमेशा कार्य करते हैं। तो सही चयन आपको लगता है, क्योंकि हर व्यक्ति सोचता है कि मैं सबसे योग्य हूँ? नहीं, संगठन ने जो पहला निर्णय संगठन का है जी, तो संगठन ने जो निर्णय लिया वो सर्वमान्य है। सर्वमान्य निर्णय को आप कैसे साबित करेंगे, आप कैसे जीत हासिल करेंगे, ये भविष्य बताएगा और जनता बताएगी। तो किन मुद्दों के आधार पर आप जनता के बीच? जन जन के विकास के लिए जो काम होते हैं भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है, उसी कार्य को हम आगे बढ़ाते चले जाएंगे। तो बीजेपी के प्रत्याशी धीरेन्द्र सिंह, इनका विश्वास है कि वो जीत हासिल करेंगे, जन जन का विश्वास हासिल करेंगे और जन आशीर्वाद यात्रा में जो भीड़ और लोगों का उत्साह दिख रहा है वो वोटों में कन्वर्ट होगा। शाम हो चुकी है, अब बीडी शर्मा रथ से निकलकर कार्यकर्ताओं से रूबरू है, सीधे उनके बीच पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं कि रथ यात्रा को बीच में रोककर कार्यकर्ताओं का उत्साह वर्धन करने के लिए बीडी शर्मा यहां पर जनता के बीच में है। तो ये यात्रा यूं ही चलती रहेगी, देर रात तक ये यात्रा चलती रहेगी और अब हम आपसे विदा लेते हैं बीडी शर्मा के साथ आज जन आशीर्वाद यात्रा में। टीवी 24 के लिए कैमरामैन सतीश गुप्ता के साथ अतुल पाठक।